बात करते थे पहले जब वजीर आजम नहीं थे तो इमरान भाई जो बात करते थे कौम सब खड़ी हो जाती थी। अब इमरान भाई एक्सप्लेनेशन बहुत देते हैं अपनी चीजों की, तो इमरान भाई जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें, ढाई तीन साल से उन्हीं के पीछे पड़े हुए, जहां जाते हैं मैंने जहां उनके सुना है उनको किसी भी इफ्तिताह करते हुए जरदारी नवाज शरीफ छोड़ दें, पिछली हुकूमतों ने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको ये मौका दिया, आप करके दिखाएं, आप चेंज लेके आए, जिसके लिए हम लोग सबने वोट दिया 2013 में, फिर बाद में वोट दिया लोगों ने। आपने इमरान खान को वोट दिया? मैंने पहला वोट 2013 में दिया था और 2018 में उसके बाद फिर मैंने वोट नहीं दिया, वोट नहीं दिया, मैं मुल्क में ही नहीं था, मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं तो वो नहीं दे सका, लेकिन काफी उम्मीद है इमरान भाई से लोगों की, लेकिन यह है कि इमरान भाई को सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, इवन कि वो अपोजिशन ही क्यों ना हो, इवन कि वो शहबाज शरीफ ही क्यों ना हो, कोई और क्यों ना हो, सपोज कल इमरान खान की कॉल आ जाती है शायद अफरीदी, ठीक है मेरा साथ दो, मैं नया पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखिए नया पाकिस्तान जो पुराना पाकिस्तान है उसको ठीक कर लें, नया पाकिस्तान में हमें दोबारा अल्लाह ताला हमें पता नहीं कितनी जिंदगी देता है, जो पुराना पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह बुरा नहीं है, लेके चलो अपोजिशन का भी पाकिस्तान। अगर कॉल आ जाती है खान साहब, नहीं अगर शायद किसी अच्छे काम के लिए, इमरान भाई जब बात करते थे पहले जब वजीर आजम नहीं थे तो इमरान भाई जो बात करते थे कौम सब खड़ी हो जाती थी, अब इमरान भाई एक्सप्लेनेशन बहुत देते हैं।